अस्सलाम वालेकुम उर्दू पॉइंट के साथ, मैं हूं सना अमजद। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसे नौजवान से जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 120 लोगों की पैरोडी करते हैं। और इस पैरोडी करने वाले जो 120 लोगों की लिस्ट है, इनमें सरे फहरिस्त हैं हमारे सियासतदान, क्रिकेटर्स, इंडियन एक्ट्रेस और मीडिया पर्सन। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा बासित, मुझे ये बताएं, क्या ये बात ठीक है कि आप 120 लोगों की पैरोडी करते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे 120 तो मतलब जो नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी करता हूँ, और वैसे टीचर्स काफ़ी हैं, फ्रेंड्स उनकी भी करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने पैरोडी स्टार्ट कैसे की, मतलब वो कौन सा ऐसा पहला शख्स था जिसकी आपने पैरोडी की थी? मैं वैसे 5th क्लास से पैरोडीज कर रहा हूँ, मतलब टीचर्स की, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये क्या है पैरोडीज, वैसे करता शुगल मेले के लिए। लेकिन जब मैं 9th में पहुँचा तो हमारे एक सर थे, वो पठान थे थोड़ा, उनका लहजा बहुत भारी था, वो अचानक उनकी हो गई मुझसे पैरोडी, और मैंने फर्स्ट टाइम जब मतलब स्टेज पे की उनकी पैरोडी तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैपिंग मिली, उसके बाद मुझे शौक आया। अब हमें सबसे पहले किसकी जो है पैरोडी करके दिखाएंगे? सबसे पहले मैं आपको इमरान खान, मशहूर आजकल हैं, उनकी दिखाता हूँ। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, मेरे पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर सना, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने बड़े मुल्कों में क्रिकेट खेली, मैंने बाहर देखा कि वहाँ इंसाफ है, तो मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में भी इंसाफ लाऊं, इसलिए मैंने तरीके इंसाफ बनाई और PTI इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनने वाली है। वाह, मेरा ख्याल है आप तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट के लिए कि मेरे सामने इमरान खान ही बैठे हुए हैं। वाकई में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी पैरोडी की इमरान खान की, मुझे 2 मिनट के लिए नहीं लगा कि मेरे सामने इमरान खान नहीं बल्कि कोई और बैठा हुआ है। नेक्स्ट आप किसकी पैरोडी करेंगे? तहलुल कादरी साहब को जानते हैं आप? जी बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। ये जो निज़ाम है ये निज़ाम सही नहीं है, ये निज़ाम चेंज करने कैटेगोरिकली में आ रहा हूँ, और इसमें अगर मुझे कोई शहीद करना चाहे तो आए, मेरा सीना हाजिर है। बासित, आपने 2 लोगों की हमें फिलहाल पैरोडी करके दिखाई है और वो बहुत अच्छी रही। मुझे ये बताएं कि ये पैरोडी आप किस तरह से करते हैं, इसमें कितनी मुश्किल होती है, या किस तरह से आप अपनी आवाज़ को मेंटेन करते हैं? और आवाज़ तो मेंटेन करते हैं, साथ में आपके फेस एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? पैरोडी करना ये साइकी से मैं करता हूँ कि दूसरे बंदे की साइकी पढ़ के वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है बंदा, और उसकी आवाज़ बैठ जाती है। तो अगर ट्राई करूँ मैं गले से तो वो नहीं होती मुझसे, लेकिन अगर साइकी पढ़ के करूँ तो वो हो जाता है। फिर आप हमें नेक्स्ट क्या करके दिखा रहे हैं? नेक्स्ट आपको मैं पैरोडी जरदारी साहब की करके दिखाऊँ। नवाज शरीफ साहब, ये जो बार बार सवाल पे सवाल करते हैं, इनका जवाब है मेरा बेटा बिल्लू, जाने वालों को कौन रोकता है, उनके लौट आने की दवा करते हैं। वाओ अमेजिंग, बड़ा अच्छा लगा। क्रिकेटर्स में से किसकी पैरोडी करके दिखाएंगे? क्रिकेटर्स, अभी क्रिकेटर्स की सुनना चाहेंगे या पॉलिटिशियंस पे भी रहेंगे? जो आपको अच्छा लगे। पहले पॉलिटिशियंस करते हैं फिर करते हैं। मुशर्रफ साहब की मैं अब आपको करके दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे कह रहा हूँ कि जो इशूज पे मुझे डिस्कस किया जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि मैं कमांडो रहा हूं, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। मौलाना फजल रहमान साहब की अब आपको चले मैं दिखाता हूं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है वो। 1973 के तनाजुर में बरखुदर जो भी गवर्नमेंट आती है वो सब बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका मेरे साथ एक ज़ाती ताल्लुक बन जाता है। गवर्नमेंट के अलावा कोई भी मुझे पसंद नहीं है, मैं और गवर्नमेंट पाकिस्तान में मिल के चलते हैं। नवाज शरीफ का लहजा थोड़ा धीमा है, लेकिन करता हूँ आपको दिखाता हूँ, अगर देख लें। मेरी अजीज़ हमवतनों, ये फसाद किया जा रहा है, मुझे कहा गया ये धरनों की सियासत ने कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उन्हें कहा कि बताइए आपको मेट्रो बस किसने दी, आपको एटम बम किसने दिया, और मैंने उनसे कहा कि बताइए आपको ममनून हुसैन की खामोशी किसने दी। अच्छा बासित, मुझे ये बताएं कि आप जब पैरोडी करते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी को बेवकूफ़ बनाया हो, लाइक कभी किसी दोस्त की पैरोडी की हो या किसी को कॉल करके आपने बेवकूफ़ बनाया? क्योंकि आप में बहुत अच्छी एक अच्छा आप में एक हुनर है, एक काबिलियत है कि आप आवाज़ चेंज कर सकते हैं, तो कभी ऐसा हुआ दोस्तों में बैठ के फ़न किया हो कि चलो यार आज इस दोस्त को बेवकूफ़ बनाते हैं? हाँ ऐसा बिल्कुल हुआ है, कॉलेज लाइफ में भी और यूनिवर्सिटी लाइफ में। हमारे सीनियर हैं और वो बहुत अच्छे हैं, उनकी पैरोडी करके मैं
दूसरों को कॉल करता होता हूँ और जस्ट फन के लिए, वो पहचान नहीं सकते, बाद में बता भी देता हूँ कि यार मैं हूँ। अब आप हमें नेक्स्ट क्या करके दिखा रहे हैं? नेक्स्ट साद रफीक साहब की मैं आपको दिखाता हूँ। खुदारा कुछ सब्र करें, मैं आपको इधर कुछ छोले बेचने वाला लगता हूँ। इमरान खान साहब आप ब्लेंडर्स पे ब्लेंडर्स ना करें, देखें कसूर ट्रेन का नहीं था, कसूर पानी का था। पानी ना होता ट्रेन कभी ना डूबती। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा आ गया। और वो एक जुमला है, किसी सियासतदान का कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है, वो थोड़ा सा आप हमें करके दिखाएंगे? हाँ ये ख्वाजा आसफ क्या है, और कोई एथिक्स होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई शर्म पागल हुए हैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा? मेरा फेवरेट क्रिकेटर पैरोडी में या वैसे आप कह रही हैं? पैरोडी में भी यूनुस खान है, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर। अरे तो फिर पहले शाहिद अफरीदी की थोड़ी पैरोडी करते हैं। चलें ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, देख उम्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको सीखनी है। यूनुस खान आ चुके हैं, गेम खेलनी होती है। इंजी भाई ने मुझे कहा फ्रंट फुट पे आके छिक्का मार, आ चुके हैं, मैं छिक्का ना मार सका, मैंने दुख की ली। इंजी भाई ने मुझे लापर टोका। शुएब अख्तर की मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुदा का वास्ता यार बातें ना करो, तुम कुछ खेलो ग्राउंड में, कुछ छक्का मारो, कुछ चुक्का मारो, खुदा का वास्ता कुछ दिखाओ, चूँकि इनको खेलना नहीं आता, इनको बातें करनी आती। बासित किसी सिंगर का गाना सुना दे हमें उसी की आवाज़ में। सिंगर्स वैसे तो जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं वो मैं सारे करता हूँ तकरीबन, लेकिन आपको अदनान समी की मैं दिखाता हूँ। मेरी अर्जी माले मोला, कैसे कैसो को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। शाहरुख खान की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं चाहूँगी अगर आप शाहरुख खान का कोई फेमस डायलॉग हमें सुना दें इस वक्त तो। शाहरुख खान का, अच्छा ठीक है। ए प्रिया, प्रिया तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, हम एक लड़की होगी हमारी, एक लड़का, हम लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी और लड़का मेरे जैसा। बासित शाहरुख खान के अलावा और कौन से स्टार हैं जिनकी आप पैरोडी कर लेते हैं? सुनील शेट्टी को आप जानती होंगी तो उनकी सुने। ए अंजलि मैं तुम्हें बोल जाऊँ या नहीं सकता, तुम मुझे बोल जाओ या मैं आने नहीं दूंगा। वाओ अमेजिंग बासित, बहुत अच्छी मिमिक्री की आपने। अब अभी तक जो है आपने सारी के सारे मेरी पसंद के लोगों की और मेरी फरमाइश के लोगों की मिमिक्री की है, मैं चाहती हूँ अब आप खुद कुछ अपनी मर्जी से करके दिखाएं। सनी देवल की मैं कर देता हूँ मिमिक्री। देश पांडे तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम कहो तो बांकू, तुम कहो तो काटू, यो नहीं सकता, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, मैं सनी देवल हूँ। जी नाज़रीन, आज हमने आपको बासित से मिलाया जो पैरोडी करने में अपना नाम मनवा चुके हैं, और आज इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा लोगों की जो है पैरोडी करके दिखाई। उम्मीद है आपको बासित की पैरोडी और मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम बासित के लिए दुआगू हैं कि अल्लाह इनको उन गोल्स तक पहुँचाए जो इन्होंने अपनी लाइफ में सेट कर रखे हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।